नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी बार परीक्षा प्लस में। आज मैं आपके सामने कंप्यूटर ऑपरेटर के जो जॉब प्रोफाइल होती है कि क्या आपको करना होगा, क्या आपका बेसिक पे होगा, कितना आपको इनहैंड सैलरी मिलेगा, इसके बारे में बताऊंगा और आपका वर्किंग प्रोफाइल क्या होगा ये सब आप जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, ठीक है, ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, तीन है आपके, उसके बाद से प्रोग्रामर ग्रेड टू है, ठीक है। तो आपको जो वैकेंसी देखने को मिलती है, इसीलिए लिखा रहा था कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, इसी पर आपके जो है भर्ती होगी। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, बी और सी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होते हैं। तो वो प्रमोशन के ग्रेड में आ जाएगा, तो उसको मैं बताऊंगा कि प्रमोशन में आ जाएगा वो, आपका कैसे कैसे प्रमोशन होगा, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल में सबसे पहली बात जो बात किया जाए कि जब आप एग्ज़ाम दे लोगे, सेलेक्ट हो जाओगे टाइपिंग वाइपिंग देने के बाद, तब आपका जो है ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। कोई भी अगर जॉब में सेलेक्ट होता है तो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और 6 मंथ की इसकी ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग में फोकस जो इसको किया जाता है, एक CCTNS जो है आपकी सॉफ्टवेयर है, देखो यहाँ पे नाम भी मैंने लिखा है CCTNS नाम होता है, क्रिमिनल क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये हर जगह पुलिस विभाग में होता है, चाहे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, पंजाब पुलिस हुआ, हर में सब में होता है, ठीक। इसी सॉफ्टवेयर को कैसे हैंडल करना है आपको यही सिखाया जाता है। फिर उस ट्रेनिंग के बाद जब आप आते हो तो ये एक तरह से डेस्क जॉब है, मतलब फील्ड जॉब नहीं है, ऑफिस जॉब है। और इस ऑफिस जॉब में बेसिकली आपको इसी सिस्टम पे, ये जो सॉफ्टवेयर मैंने लिखा CCTNS, उसी पर आपको वर्क करना होगा। अब इसमें आपका क्या आता है, इसमें आपको जितने भी, जैसे मान लीजिए कि FIR ऑनलाइन जो दर्ज होते हैं उसका रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है, जो आपकी डेड बॉडीज होती हैं, चाहे एनिमल्स की हो चाहे ह्यूमंस बीइंग की हो, उसका पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन करना, ऊपर से जो आपके नए स्टाफ होते हैं पुलिस विभाग में उनकी ID क्रिएट करना, बनाना, ये भी आप ही का काम होता है। तो डिफरेंट आपके हेल्प के लिए यहाँ पर कॉन्स्टेबल दिए जाते हैं, आप ये पूरे काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपके नीचे 2-3 कॉन्स्टेबल रहेंगे जो आपको वर्क डिवाइड करेंगे, आपका हेल्प करेंगे। ड्यूटी मैनेजमेंट, मतलब आपके जितने आपके नीचे स्टाफ्स हैं उनका मैनेजमेंट, ड्यूटी का मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपको ही हैंडल करना होता है, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वर्क है वो आपको हैंडल यहाँ करना होता है। किसी की मिसिंग कंप्लेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया, और भी ऐसे कई काम जो आपके कंप्यूटर विभाग से, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं विभाग की, कि पूरे थाने का जो भी आपका एक तरह से रिकॉर्ड आता है उसको पूरा CCTNS की तरह उसको क्या करना, मैनेज करना उस सॉफ्टवेयर में, ये सब चीज़ें इन्हीं का काम होता है। अब काम तो हम लोग देख लिए, काम ये होगा, काम के बदले पैसा का मिलेगा, पैसा पे आ जाते हैं कि भैया देखो आपको पैसा जो मिलेगा, सैलरी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। लेवल 4 की जो बोला जाए, जो पे मैट्रिक्स लेवल 4 है वो आपका रहेगा यहाँ पर। ग्रेड पे आपका जो है वो 2400 ग्रेड पे की ये जॉब है, ये ध्यान रखना। और पेमेंट जो है वो 5200 से लेकर 20200 तक का ये पेमेंट है, और उसमें लेवल 4 में ही आपका आएगा ये ग्रेड पे 2400, ठीक है। उसका बेसिक पे जो बनता है लेवल 4 का, सबसे पहला जो बेसिक पे होता है वो 25500 होता है बेसिक पे, इतना आपका बेसिक पे होगा। बेसिक पे में DA जो गवर्नमेंट की इस समय DA है 28% से 31% कर दिया गया है, तो 25500 का 31% निकालोगे तो 69,05 आएगा, इसमें जोड़ दोगे तो 33,405 रुपया खाली आपका बेसिक पे और DA मिला के हो गया। अभी इसमें आपका HRA बाकी है, वो सिटी टू सिटी आपका मैक्सिमम, इसका लखनऊ में ही जॉब आपको मिलता है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका जो HRA होगा वो आपका 2000 से 4000 का वैल्यू होगा, उसके बाद से आपका TA ट्रेवलिंग अलाउंसेस भी मिल जाएगा 1000 के अप्रोक्स मान लो, और डिडक्शन भी मान लो 1000-1200 जो भी हो जाए डिडक्शन होने के बाद, तो ऑन अप्रोक्स जो सैलरी मिलती है तो आप बोल सकते हो कि 33,000 से लेकर 35,000 के बीच में आपको कहीं ना कहीं सैलरी मिलेगी इन हैंड, ठीक है। 33,000 से 35,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी, तो ये आपका सैलरी के बारे में हो गया। तो अच्छी खासी सैलरी है, ऐसा नहीं 10+2 के लेवल की अगर जॉब है ये तो उसके अकॉर्डिंग तो ठीक ठाक सैलरी है। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि अगर आप इस पे काम करोगे तो आपका स्कोप क्या है, आप कहां तक पहुंच सकते हो,
ठीक है, तो पहुंचने की बात किया जाए तो सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बे का, जो ग्रेड ए होता है इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम की तरह होता है। उसके बाद से आपका विभागीय हो जाएगा, मतलब प्रमोशन के विभाग से आपका कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी किया जाएगा। यहां तक जाने के लिए आपको कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए पर 6 ईयर तक वर्क करना होगा। 6 साल के वर्क करने के बाद, 6 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर आगे सीट आती है ग्रेड बी के लिए तो आप एग्जाम दोगे, विभागीय परीक्षा दोगे, उसके बाद से आप ग्रेड बी पे आ जाओगे, जो 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है। देखो मैंने ग्रेड पे भी लिखा है, 2400 ग्रेड पे से आप स्टार्ट करोगे, 6 साल बाद आपका प्रमोशन होगा, ग्रेड बी पे जाओगे, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर में, जो 2800 ग्रेड पे की जॉब होगी। उसके बाद से आपका ये 2800 ग्रेड पे मतलब एएसआई जो हो ना, एएसआई सिंगल स्टार वाला, उसके बराबर हो जाएगा। वर्दी भी आपको मिलती है, ये ध्यान रखना, ठीक है, पट्टी मिलती है सफेद कलर की 3 ऐसे। तो यहां से शुरुआत करोगे, बी पे जाओगे 2800 ग्रेड पे, जो एएसआई की ग्रेड पे होती है। उसके बाद से आप कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड पे में जाओगे, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड सी में जाओगे। तो ग्रेड सी में जाने के लिए भी आपको ग्रेड बी में 6 साल तक एटलीस्ट वर्क करना होगा। कितना? 6 साल तक। अगर वैकेंसी आती है आगे वाली तो आप फिल करोगे, उसका एग्जाम दोगे, उसमें कई मार्किंग होता है, नियमावली आपकी है वेबसाइट पे, उसको पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे हर चीज की मार्किंग है, आपके जो बिहेवियर का, आपके वर्किंग का, पेपर का, सब मार्क्स मिला के आपको ये प्रमोट किया जाता है। फिर आप यहां पे जब सी पे पहुंच जाओगे तो आपका ग्रेड पे 4200 का हो जाएगा, बहुत अच्छा खासा ग्रेड पे हो जाएगा। और इसके बाद से जब आपका प्रमोशन होगा 6 साल बाद, 6 ईयर बाद, ठीक है, 6 ईयर बाद जब आपका ये प्रमोशन होगा तो आप प्रोग्रामर ग्रेड 2 पर पहुंचोगे। कहां पहुंचोगे? प्रोग्रामर ग्रेड 2 पे, ठीक है। तो आप देखो 6 साल इस पे करोगे, 6 साल 12 6 3 18 6 4 24 25-30 साल बाद कहीं पे आप प्रोग्रामर ग्रेड 2 पे पहुंचोगे, जो 4600 ग्रेड पे की जॉब होगी, ठीक है। तो यहीं तक बहुत हो पाता है, तो आप लोग पहुंच सकते हो। उसके बाद से तो कहां, आप अगर 25-30 के कर रहे हो, जॉब पा रहे हो, तो 60 तो पहुंच गए ना 25-30 साल बाद, ठीक है। तो 60 वैसे पहुंच गए, 65 साल में रिटायरमेंट है, तो ऐसे ही होता है। तो ये ऑलमोस्ट, और ऐसा नहीं है कि मैंने 6 साल मिनिमम का बताया है, ये 7 साल भी लग सकता है, 8 साल भी लग सकता है, डिपेंड करता है आगे आपकी सीट खाली है कि नहीं, वैकेंसी खाली है कि नहीं, वो डिपेंड करता है। और जब यहां पे आओगे तो ये प्रोग्रामर ग्रेड 2 की जो वैकेंसी होती है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से 50% ली जाती है, और 50% आपका किससे? प्रमोशन से आता है इसमें। इसीलिए देखोगे अभी जो वैकेंसी आई है प्रोग्रामर ग्रेड 2 की, उसमें 3 वैकेंसी आने वाली है, सिर्फ 3 पोस्ट, बाकी भाई पोस्ट ही नहीं बचता है ना, मैक्सिमम तो प्रमोशन से भर जाते हैं, जो बचता होगा वही है, चीजें आती हैं, तो 50-50% वैसे कम पोस्ट भी होता है, तो ये आपके प्रमोशन हो गए, ठीक है। तो आप लोगों का जो है बैच जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का स्टार्ट है, तो लेट ना करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन 1 महीने आपका मार्च के लास्ट तक आ जाएगा, और 1 महीने तक नोटिफिकेशन चलेगा ऑलमोस्ट, और उसके बाद से मिनिमम मैक्सिमम आपको जो दिन दिया जाएगा वो 40-50 दिन दिया जाएगा, उसके बाद से आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अगर सिलेबस आप देखोगे तो कंप्यूटर का 80 क्वेश्चन आने वाला है, और बहुत ही जो है व्यापक सिलेबस है, तो वो कवर करने में आपको समय लगेगा। अगर जल्दीबाजी में लास्ट मोमेंट में ये सब चीज डिसीजन लोगे कि बैच ज्वाइन करना है चाहे नहीं करना है, पढ़ना है स्टार्ट करना है कि नहीं पढ़ना है, तो वो दिक्कत देगा आपको। तो इसलिए बैच संस्था के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है, और अभी ऑफर के साथ चल रहा है 699 में पूरा संपूर्ण कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की जो है बैच है वो पूरा आपको मिल जाएगा। क्लासेस कंप्यूटर की, रीजनिंग की, जीएस की, सब कुछ चल रहे हैं, तीनों पैरेलल चल रहा है। तो लेट ना करिए, आप लोगों को अगर जुड़ना है तो आप परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हो। अगर कोई परेशानी हो रही, कोई समस्या है, तो आप नीचे जो नंबर चल रहे हैं उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और भी जो दिक्कतें आपको आ रही हैं फॉर्म से रिलेटेड, चाहे एलिजिबिलिटी से, सिलेबस से रिलेटेड, कोई भी डाउट आपको है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। टीम पूरी कोशिश करेगी कि जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।